आज प्रातःकालीन सत्र से ही हम लोगों को प्रयागराज में आने इन बैठकों के क्रम संगम में तट पर माँ गंगा यमुना और सरस्वती के मिलन स्थल पर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आरती और पूजन करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। अक्षयवट, सरस्वती कूप आदि की सुंदरीकरण की योजना और लेटे हुए हनुमान जी के कॉरिडोर निर्माण के कार्य को भी और दर्शन करने का भी अवसर प्रातःकालीन सत्र में हमें हुआ है। प्रयागराज कुंभ महाकुंभ 2025 के लिए 13 अखाड़ों, खाक चौक, आचार्यवाड़ा और तीर्थ पुरोहितों के साथ हमारी बैठक संपन्न होने के बाद केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा महाकुंभ के लिए कार्य किस रूप में आगे बढ़ रहे हैं, इसके बारे में भी एक विस्तृत समीक्षा हम लोगों ने यहां पर की है। दिव्य एवं भव्य कुंभ के जो थीम प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2019 में हम लोगों को दी थी, कुंभ भी स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित हो सकता है। 2019 का प्रयागराज कुंभ उसका एक उदाहरण बना था। वह एक्सपीरियंस उत्तर प्रदेश टीम के पास है और उस अनुभव का लाभ लेते हुए 2025 के महाकुंभ की तैयारी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुकी है। अब तक 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोजेक्ट को प्रयागराज को भी भव्य और सुंदर बनाना है। 2019 में प्रयागराज की शोभा पर पूरी दुनिया आकर्षित हुई थी। लगभग 25 करोड़ 24 करोड़ श्रद्धालु जनों ने प्रयागराज आकर के संगम में स्नान किया था और इतने बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन में सहभागी बने थे। लगभग 100 के आसपास देशों के राजनेताओं ने भी यहां पर आकर के इस बड़े आयोजन में भागीदार बनकर के भारत की आध्यात्मिक और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं का अवलोकन करने का उन्हें भी अवसर प्राप्त हुआ था और उसी को और भव्य रूप देने के लिए हम लोगों ने यह कार्रवाई विभिन्न विभागों ने प्रारंभ की है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के भी रेलवे के द्वारा, एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा और भी अन्य विभागों के द्वारा मिलकर के बेहतरीन तरीके से अपने कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। यद्यपि जब कुंभ का आयोजन होता है तो समय संगम में जल का जो स्तर होता है उस समय लगभग ये 8,000 से 10,000 क्यूसिक वाटर वहां पे होता है। आज प्रातःकालीन सत्र में हम लोगों ने देखा है जल की मात्रा भी लगभग 2.25 लाख से लेकर 2.5 लाख क्यूसिक वाटर अभी यहां पे जल है। जल को रिसीट होने में अभी 10-12 दिन लग सकता है, लेकिन कुंभ की तैयारी में, महाकुंभ की तैयारी में फिलहाल कोई बाधा नहीं है और हम लोगों ने एक डेडलाइन दी है कि 15 दिसंबर तक हर हाल में सभी प्रकार के कार्य, निर्माण के कार्य संपन्न होने के साथ ही कुंभ के दायरे को भी बढ़ाने का कार्य 2013 के प्रयागराज कुंभ के तुलना में इस बार उससे दुगने से अधिक क्षेत्र में कुंभ फैलेगा। हमारा प्रयास होगा कि पीक डे के दिन जो मुख्य मुख्य पर्व हैं, पौष पूर्णिमा 13 जनवरी से लेकर के और महाशिवरात्रि 26 फरवरी तक,
ये जो अलग अलग पर्व पड़ेंगे जिसमें पौष पूर्णिमा है, मकर संक्रांति है, मौनी अमावस्या है, बसंत पंचमी है, माघी पूर्णिमा है और शिवरात्रि है, इन छह प्रमुख त्योहार जो स्नान होंगे, पर्व और त्योहार पड़ेंगे, पीक डे के दिन छोड़ करके शेष अन्य दिनों पर किसी भी श्रद्धालु को 1 किलोमीटर से अधिक पैदल न चलना पड़े। 7,000 से अधिक परिवहन निगम की बसेज, शटल बसेज यहाँ पे सेवा के लिए लगाई जाएंगी, इलेक्ट्रिक बसेज लगाई जाएंगी और भी व्यवस्था यहाँ पर हम लोग देने का कार्य कर रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ के बहाने एक भव्य और दिव्य रूप में देखने को मिलेगा। सुरक्षा के लिए भी बेहतरीन तैयारियां की जा रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। जीरो प्लास्टिक के लक्ष्य को लेकर के प्रयागराज कुंभ को हम लेकर के चले हैं। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, किसी भी प्रकार का सॉलिड या लिक्विड डिस्चार्ज माँ गंगा और यमुना में उस दौरान न हो, इसकी तैयारी। और जितने भी ड्रेनेज सीवर हैं ये सब तक तब तक टेप हो चुके होंगे या एसटीएफ में, इन्हें डाइवर्ट करके या बायो रेमेडिएशन की पद्धति के माध्यम से हम उसे शुद्धिकरण के दौर कर शुद्धिकरण से ही उससे डिस्चार्ज करेंगे। ये सारी सुविधाएं यहाँ पर हम लोग देने जा रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रयागराज कुंभ 2019 ने एक मानक स्थापित किया था, उससे भी बड़े स्तर पर एक भव्य और दिव्य कुंभ को स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित कुंभ के रूप में हमें स्थापित करने में सफलता प्राप्त होगी। इस संबंध में मैं आप सबका भी आह्वान करूंगा 2019 के कुंभ के, प्रयागराज कुंभ के लिए की सफलता में आपकी भी बड़ी भूमिका थी। इस बार फिर से अपनी सकारात्मक भूमिका के साथ प्रयागराज को और भारत के सनातन धर्म के इस भव्य आयोजन को वैश्विक मंच तक पहुंचाने में आप सबका सकारात्मक योगदान होगा। आप सबको मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।